बड़ी खबर इंदौर से, बीजेपी में जाने पर अक्षय बम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि अक्षय बम का साहसिक निर्णय काबिले तारीफ है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अक्षय बम ने जो साहसिक निर्णय लिया है वो तारीफ काबिल है। सनातन परंपरा से प्रभावित हुए अक्षय, आज ही सुबह अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया। कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी थे अक्षय बम और नामांकन वापसी का आज ही आखिरी दिन था और उन्होंने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है और सनातन परंपरा से प्रभावित होकर वो यहां आए, ये उनका कहना है। राष्ट्रहित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। मैं अक्षय की बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि जिस साहस के साथ वह काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गया, मन क्या उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय ने किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ गया, उनको ये करना है मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ जाएंगे विधिवत रूप से शाम को 8 बजे, अक्षय जी को भाजपा की सदस्यता प्रदान करेंगे। इधर कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय बम के घर पर नेताओं का जमावड़ा बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट के साथ तमाम दिग्गज अक्षय कांति बम के घर पहुंचे। शहर अध्यक्ष सहित बड़े नेताओं ने घंटों बैठक की और चर्चा की। अक्षय कांति बम ने आज ही नाम वापस लिया है, बीजेपी में शामिल हो रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव अक्षय कांति बम को बीजेपी की सदस्यता दिलवाएंगे। तो अक्षय कांति बम के घर के बाहर से जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सेन, आइए देखते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय बम के घर पर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस समय देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय वो खुद मौजूद है, उसके साथ विधायक गोलू शुक्ला, साथ ही अक्षय बम नगर अध्यक्ष गौरव रणदीपे, तमाम वो लोग हैं, तुलसी सिलावट, मंत्री रमेश मेंदोला, महापौर, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त अक्षय कांति बम के घर पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से अक्षय कांति बम ने यहाँ पर नाम वापस लिया और उसके साथ ही बीजेपी की जो सदस्यता यहाँ पर लेने के लिए जा रहे हैं, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस प्रकार से जो नेता हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं क्योंकि ये अक्षय कांति बम है यहाँ पर। तो ये तस्वीर है, साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उसके साथ ही जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वो तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो अक्षय कांति बम के साथ यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके साथ ही अब जो अक्षय कांति बम है वो कहीं ना कहीं पर अब बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो कारवा है अब बीजेपी कार्यालय पहुँचेगा जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव औपचारिक तौर पर अक्षय कांति बम को यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता दिलवाएंगे। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर।